तो यार सामने आप बाइक को देख सकते हैं, यामा FZS वर्जन 4 2024 लेटेस्ट मॉडल। इसमें आपको एक और नया रेड कलर देखने को मिल जाता है। नया इसलिए क्योंकि इसके कलर में आपको थोड़े से चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि टैंक पर आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स में आपको यहाँ पर चेंज मिलेगा। जैसे कि पहले यहाँ पर आपको गोल्डन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता था, जैसे कि इसके एलॉयज आपको गोल्डन कलर में मिलते थे डीलक्स मॉडल में। यहाँ पर आपको जो है ना पहले गोल्डन का टैंक पर ग्राफिक्स में जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता था। आपको यहाँ पर जो है लोगो भी गोल्डन कलर में मिलता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। FZS का यहाँ पर आपको 3D में लोगो मिल जाता है और ओवरऑल यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बाइक का नया लुक देखने को मिल जाता है। तो इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो 159,000 की ऑन रोड प्राइस में ये बाइक आपको मिल जाती है। फीचर्स की बात करते हैं तो ये सारे आपको स्विचेस मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम पासिंग इंडिकेटर हॉर्न और राइट साइड में यहाँ पर आपको किल स्विच सेल्फ का स्विच मिल जाता है। 13 लीटर का यहाँ पर आपको जो है कुछ ऐसे डिज़ाइन में टैंक मिल जाता है, टैंक पर की ऑप्शन मिल जाता है। E20 का इस बाइक में आपको अपडेट मिल जाता है। 20% इथेनॉल वाले फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। बाकी फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि आपको MT15 में मिलता था। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी इसमें आपको मिल जाती है और की ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है टैंक पर मिल जाता है। बाकी फुल्ली LED हेडलाइट है, यहाँ पर आपको सारे जो लाइट्स मिलते हैं ना बाइक में FZS V4 में सारे ही LED में मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे लुक में यहाँ पर आपको जो है ना LED हेडलाइट मिल जाता है, LED में DRL। नाइट में इसका थ्रो काफ़ी सही है, अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। फ्रंट लुक भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर दिखता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और LED में इंडिकेटर, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नंबर प्लेट आपकी यहाँ पर लग जाएगी। बड़े साइज़ में यहाँ पर आपको जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज़ में टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट में सस्पेंशन मिल जाते हैं। प्लास्टिक में मडगार्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। 282mm का डिस्क मिलता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, बायब्रे के ब्रेक कैलिबर मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो है ना गोल्डन कलर में एलॉयज मिल जाते हैं। बाकी MRF का यहाँ पर आपको टायर मिल जाता है। साइज़ में आपको दिखा देता हूँ, 100x80 साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर छुपा हुआ है, तो उस साइड से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100x80 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ MRF के ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और गोल्डन कलर में अलॉयज मिलते हैं। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना आप सामने देख ही सकते हैं, तो इस कलर में आपको बाइक का लुक कैसा लग रहा है आप अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट करके यहाँ पर शेयर ज़रूर करना। तो यामा FZS V4 में यहाँ पर आपको 149cc का इंजन मिल जाता है, एयर कूल्ड इंजन मिलता है, BS6 फेज 2 अपडेट इसमें आपको मिल जाता है। पावर फिगर की अगर हम बात करते हैं तो 12.4 PS के पावर और 13.3 Nm यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जाता है। तो अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर आपको जो है माइलेज मिल जाएगा। बाइक को अच्छे से यूज़ करने पर 50 के आसपास इस बाइक से आप जो है माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 165mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, यहाँ पर आपको इंजन प्रोटेक्शन के लिए इंजन काउल इंजन गार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी स्पोर्टी लुक में यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट भी मिल जाता है जिसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। 7-स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और रियर टायर साइज़ की बात करते हैं, सबसे पहले आप देखो काफ़ी सही क्वालिटी में यहाँ पर आपको जो है टायर हगर यहाँ पर मिल जाता है। 230mm का रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर मिल जाएगा और रियर में यहाँ पर आपको 140 सेक्शन का काफ़ी सही वाइड टायर मिल जाता है। जैसे कि साइज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा छुपा हुआ है, आप देख ही सकते हैं 140 सेक्शन का काफ़ी सही वाइड टायर मिल जाता है। गोल्डन कलर में एलॉयज मिलते हैं और टायर की वजह से रियर लुक यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है, स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। ये करी ना आपने बात। बाकी बाइक का रियर लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, LED में MT15 वाली टेल लाइट मिल जाती है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। दोनों साइड से यहाँ पर आपको जो है ना इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नंबर प्लेट के लिए आपको लाइट भी मिल जाती है, तीनों साइड से रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आपकी जो है नंबर प्लेट लग जाएगी। FZS V4 में यहाँ पर आपको जो है ना बाइक में सिंगल सीट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको राइडर पिलियन दोनों के लिए अच्छी खासी जगह और अच्छा खासा कंफर्ट यहाँ पर मिल जाता है। और फैमिली पर्सन को भी बिठाकर राइड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई यहाँ पर जो है दिक्कत वाली बात नहीं है।
विलन को पकड़ने के लिए ग्रैब रेल भी यहाँ पर आपको जो है कुछ ऐसे डिज़ाइन में मिल जाते हैं। बाकी 790 mm यहाँ पर आपको जो है ना बाइक में सीट हाइट मिल जाती है, और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो आपको मिल जाता है 136 kg। FZS V4 में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेफ्टी फीचर मिल जाता है, सेंटर स्टैंड में मिल जाता है, और साड़ी गार्ड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी ओपन चेन मिलती है तो मेंटेनेंस की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपको सीट ओपन करना है तो यहाँ पर की लगाकर सीट को आप जो है ओपन कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में मैंने जो है ना डिटेल में ज़्यादा आपको कुछ बताया नहीं, क्योंकि मुझे जो कलर में चेंज था वो आपको दिखाना था, और बाकी कुछ शॉर्ट में मैंने आपको जो है ना फीचर्स की इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल में आपको जो है ना FZS V4 के और भी रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इसमें आपको जो है ना नए कलर देखने को मिल जाते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो चैनल में आप जो है चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी यार शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस वगैरह आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप इसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर विजिट करके अगर आप चाहे तो बाइक का जो है टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो यामा FZS V4 का ये न्यू कलर और इसमें मिलने वाले फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है। बाकी तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को यहाँ तक जो है ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।